हाथों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्टर जो देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि साउंड है, ये देख सकते हैं दोस्तों, अरे सरकारी स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए सेटअप पूरा तैयार हो चुका है, ये देखिए प्रोजेक्टर है और यहाँ पर ये साउंड देख सकता है। सर को आप जानते हैं, हसरत जी को? ऐसे यूट्यूब से तो जानते हैं, वीडियो देखते हैं, काफी अच्छा फनी रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुख प्यार। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर आदर्श मध्य विद्यालय रामबाग घटारो ओबरा औरंगाबाद दोस्तों। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि एक हमारे पास बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हर्ष राज राजपूत जी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पांडू जी हैं। तो दोस्तों आखिर इन लोग यहाँ पर क्यों हैं, आज आपको मैं बता दूं। मैं हमेशा पॉजिटिव वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो सरकारी अच्छे होते हैं उसी सरकारी स्कूल का मैं वीडियो दिखाता हूँ और अपने YouTube बिहारी बाबू चैनल पर अपलोड करता हूँ दोस्तों। तो इन्होंने दिल्ली से देखे हैं इस स्कूल को, रामबाग में घटारो में पढ़ता है यह स्कूल। इस स्कूल को ये देखे मेरे चैनल पर और कहें कि हेमराज जी मुझे सरकारी स्कूल जो ओबरा औरंगाबाद घटारो में है बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं उस स्कूल को कुछ देना चाहते हैं। तो फिर बातचीत हुई हम लोग इंस्टाग्राम से और फिर हम लोग बातचीत होने के बाद आज सर जो हैं दिल्ली से खुद यहां पर आ चुके हैं। जैसे इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्टर जो देख सकते हैं और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि साउंड है, ये देख सकते हैं दोस्तों, अरे सरकारी स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। तो ये कहा जाए तो सोशल मीडिया पर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और सामाजिक काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपको मन किया कि मुझे इस सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्टर देना चाहिए? हमने देखा यहाँ का व्यवस्था, देखा जो यहाँ का सब चीज देखा, तो मुझे लगा इतना अच्छा व्यवस्था बनाए हैं, जो प्राइवेट स्कूल है उसके तरह का यहाँ पे व्यवस्था है, तो उनको कुछ देना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है आगे बेटर एजुकेशन मिले और देख के कुछ नया चीज देख के जो लोग नहीं भी आ रहे स्कूल वो भी आए पढ़े शिक्षा ग्रहण करे, यही है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ये दोनों मिलकर मतलब हर्ष राजपूत जिनका चैनल का नाम है धाकड़ और न्यूज रिपोर्टर के नाम से जाना जाता है धमेंद्र धाकड़, जो आप ही देने आज आप सरकारी स्कूल में एक प्रोजेक्टर दे रहे हैं आप दोनों मिलकर, तो कैसा आपको लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है ताकि जो बच्चे हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी जियोग्राफिकल कंटेंट हो या फिर कोई भी या फिर एंटरटेनमेंट के लिए अगर टीचर जो है वो आगे बढ़े तो उसके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे आदमी है, यानी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है हर्ष राज राजपूत जी, जो बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं दोस्तों, और कई ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जो देने वाले हैं सरकारी स्कूलों में और बहुत सारे अच्छे संस्था में भी देने वाले हैं, क्योंकि बिहार में एजुकेशन थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चे एलईडी के माध्यम से प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे अच्छे अच्छे चीज जाने और उसके बारे में जानकारी दें। तो और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सब किया जा रहा है कि थोड़ा सा लोगों में देखे बच्चे तो मजा आए, कुछ नई चीजें कार्टून देख लें या जो भी समझने वाली चीजें हैं, तो किताब में थोड़ा सा रहता है कि जो डिजिटल रूप में अगर दिखाया जाए बच्चों को तो ज्यादा समझ पाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, तो बस उसी के लिए है, स्टूडेंट पढ़े हमारा बिहार जो है एजुकेशन में आगे जाए, यही तमन्ना है बस। तो दोस्तों आप देखें ना कि किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीका से एक अच्छे सेंटेंस लगाकर इन्होंने बोला है और बोला है कि बिहार के जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी को कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे और देते रहेंगे, जो प्रोजेक्टर आज दे रहे हैं कल कुछ और देंगे, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और प्रोजेक्टर आपको रूप में सेटअप की है रामबाग में, तो यहाँ देख लीजिए सेटअप पूरा तैयार हो चुका है, ये देखिए प्रोजेक्टर है और यहाँ पर ये साउंड देख सकते हैं और ये सारे जितने सारे बच्चे हैं यानी सारे लड़कियां ही हैं और लड़के इधर भी हैं जो क्लास 8 के हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर इन लोग का वीडियो सर देखे थे और धमेंद्र सर यानी हर्ष जी देखे थे और देख के आप लोग को वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा, जो अंताक्षरी का वीडियो था या बहुत सारे ऐसे वीडियो था तो देखकर ही बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे आप लोग एक स्वागत ताली बजाते हैं ना, याद है ना, खड़े हो जाइए और हमारे सर इधर आ जाइए आप, ठीक है? तो आज आइए, तो जिस तरह से आप लोग स्वागत ताली बजाते हैं आप लोग को पता है ना, तो आज हमारे जो इनको आप जानते हैं, आप इनको जानते हैं? नहीं सर।
आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं सर। मगर आप लोग के लिए प्रोजेक्टर दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? यस सर। तो चलिए आज से आप लोग जान जाएंगे, तो पहले हमारे जो हर्ष राजपूत जी हैं उनको आप स्वागत कीजिए तालियों से। बहुत ही अच्छा है आप लोग। और कोई स्वागत किया जाता है कोई और दूसरा ताली से भी? रिम झिम ताली बजा दीजिए सर के लिए। रिम झिम ताली में क्या होता है, रिम झिम ताली में क्या होता है कि पहले कम साउंड होता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोग के लिए जैसे यहाँ प्रोजेक्टर, खुशी कहाँ है खुशी? जो खुशी आपको यहाँ पर सर ने प्रोजेक्टर दिए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखेंगे पहले आप प्रोजेक्टर पर? बहुत सारी चीजें देखेंगे जिसमें पढ़ाई की चीजें होगी, कभी हम लोग कार्टून भी देख सकते हैं, है ना? और चलिए यहाँ पर बगल में सर भी बैठे, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए आप लोग भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज, हाँ बुला लीजिए सारे टीचर लोग को, कि दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो यहाँ ना क्या प्रधानाध्यापक है मनोज सर हैं, जो किसी मीटिंग में वो चले गए हैं, दिल्ली में गए हैं, मगर आज यहाँ पर सारे सर भी हैं। कैसा लग रहा है कि जो हर्ष जो राजपूत जी हैं, जो बहुत ही अच्छे फेमस है सोशल मीडिया पर, तो जो आपके स्कूल के सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्टर दिए? जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमारे बच्चों का विकास होगा, जो कार्टून देखेंगे उसे जो नई नई चीजें होगा ग्रहण करेंगे लोग, अब पढ़ाई की चीजें भी रिलेटिव दिखाएंगे। जी जी बहुत सारे सरकारी जो ऐसे जो स्कूल होते हैं जहां पर LED दिया जाता है, स्मार्ट TV दिया जाता है, और बहुत सारे स्कूलों का भ्रमण करते हैं लोग, जो अफसर लोग रहते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी स्कूलों में ये चीज देने वाले हैं, LED देने वाले हैं, मगर दोस्तों उससे भी बेहतरीन यहाँ पर जो है हर्ष राजपूत जी जो दे चुके हैं स्मार्ट, यानी कहा जाता है प्रोजेक्टर दे दिए हैं, यानी आप सोचिए कि कितना बड़ा फिगर आपको नजर आएगा, पता है? बहुत बड़ा नजर आएगा ना? यस सर। यानी आपकी जो सरकार देती है उससे भी बड़ा या छोटा? बड़ा। उससे भी बड़ा ना? यानी पूरे दीवार पर आपको नजर आएगा एक ही चीज जो आप दिखना चाहते हैं। और यहाँ पर मैम लोग भी, मैम जी आप लोग भी आ जाइए इधर, आ जाइए आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, आप उधर रही वहीं। यहाँ पर देखिए सारे टीचर लोग हैं यहाँ पर। मैम आपके सबसे पहले आपका नाम क्या है? पिंकी कुमारी। पहले भी हम लोग रूबरू हो चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर को आप जानते हैं, हर्ष जी को? ऐसे यूट्यूब से तो जानते हैं, वीडियो देखते हैं? देखते हैं। काफी अच्छा फनी रहता है, फनी वीडियो। अच्छा ये बताइए कि इनके वीडियो जो आप देखते हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप उदास हैं या आपको मन नहीं लगता है, तो इनको वीडियो को देखकर आपको कैसा लगता है? उसमें तो कोई भी हंस देगा, ऐसा कम करो। तो वीडियो मतलब अच्छा हो सकता है, अच्छा फनी रहता है। अच्छा आज जो है धर्मेंद्र सर यानी हर्ष राजपूत जी, आप यहाँ पर बच्चों के लिए प्रोजेक्टर दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको, यानी फिर एक बार ताली हो जाए। बस बस। और हम चाहेंगे कि जितने सारे टीचर हैं और हमारे पांडू जी हैं और सर जो हैं और यानी हर्ष राजपूत जी, सारे ग्रुप में आ जाएं ताकि सारे लोग देख सके और लोग जान सके कि धर्मेंद्र सर यानी हर्ष राजपूत जी एक बहुत ही अच्छे सोशल मीडिया पर काम करते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे काम करते हैं, अब भविष्य के लिए भी अच्छे सोचते हैं। आ जाइए सर इधर, जो सारे लोग एक साथ हो जाएंगे सारे टीचर, और आ जाइए मैम। ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्टिंग कर देता हूँ। ये देखिए पूरे सरकारी स्कूल के टीचर है, मगर इसमें दो जो व्यक्ति है वो आपको पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्ष राजपूत जी हैं, यहाँ पांडू जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? विपिन। विपिन जी हैं यहाँ पर, और ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं, और ये भी हैं, और यहाँ पर जितने सारे देख रहे हैं सारे लोग हैं, और यहाँ मैम है, मगर यहाँ पर एक ही चीज खाली हो रही है, यानी एक ही चीज फिल इन दी ब्लैंक्स है, जिसको कहते हैं मनोज सर, जो यहाँ का प्रधानाध्यापक नहीं है। Hey guys, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।